तो कैसे हैं? आज 6 तारीख है और आज वापस मैं आपके सामने पीसी ज्वेलर्स के व्यू को लेके आया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डाउन ट्रेंड में लेगा पीसी ज्वेलर, और आप मैंने लगातार आप परसों के या कल के किसी भी वीडियो को देख लीजिए, मैं इसमें पॉजिटिव नहीं था, निगेटिव भी था इसमें, और मुझे लग रहा था कि ये निगेटिव जाएगा क्योंकि 100, 102 के 105 पास इस पर रेसिस्टेंस था, और वापस आज इसने एक कोशिश की है 99 के ऊपर जाने की और जा करके वापस ये नीचे की ओर ले लिया। तो आप देखेंगे तो आज एक अच्छा बेरिश कैंडल इसने बनाया है, बेरिश कैंडल फॉर्म कर दिया इसने। आज का लो बनाया इसने 80 और हाई बनाया 99, और लोअर लो पे ही क्लोजिंग जा करके किया है 83.30 पे। आप देखेंगे तो 83.30 पे क्लोजिंग दिया इसने। आज की वॉल्यूम देखेंगे एज इट इज इसने 7,57,66,000, 7 करोड़, 8 करोड़ की वॉल्यूम चलती है, या एज इट इज आज तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चला, 7 करोड़ की वॉल्यूम थी आज इसमें। और डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा सा आज इंक्रीज देखने को मिला है, आप देखेंगे तो एवरेज से, पुराने एवरेज से लगभग थोड़ा 6 से 7% पे बढ़ा है, 7.31 आया है, तो डिलीवरी परसेंटेज भी बढ़ा है थोड़ा सा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये शेयर में से कोई खराबी नहीं है। आप बोलेंगे मैं इसको खराब है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको बाय करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको, बाय करने के लिए नहीं बोलने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको नीचे लेवल पे आपको ये मिल जाएगा। अब आप इसको मतलब समझ, वापस अगर आपको ये 70 पे मिलता है और 65 पे वापस जाके मिल सकता है आपको, तो हम यहाँ पे क्यों इसको इकट्ठा करें? लेकिन अगर कोई पोजिशनल बेसिस पे पोजिशन बनाना चाहते हैं और इसको लॉन्ग टर्म 1.5 साल 2 साल रखना चाहते हैं, 3 साल के लिए एटलीस्ट, तो यहाँ से आपको डबल का फायदा तो जरूर मिलेगा। आपको 170, 180 देखने को मिलेगा भाव यहाँ से। तो मैं एज ए पोजिशनल बेसिस पे आप इसको अब आप अपना 10-10% करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको 100 शेयर बाय करना है तो आप इस लेवल पे कल के जो फॉल होंगे, फर्दर फॉल पे, मीन्स आप एक बार इसको 75 पे, 72 पे इसका रेसिस्टेंस है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इसका जो रेसिस्टेंस यहाँ पे बन के आ रहा है 75.80 आ रहा है, और अगर यहाँ पे भी देखो तो 76.28 आ रहा है। तो हर चार्ट पे अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है, एग्जैक्ट लाइन जो खींचा गया है वो लाइन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो। हाँ वही है जो लो बना था 76, तो 76 के पास एक रेसिस्टेंस है, इसको वहाँ सपोर्ट है, यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 75.80 सपोर्ट बता रहा है, तो इसको 75.80 के पास सपोर्ट एक है। तो अगर यहाँ वहाँ पे जाके ये रुकता है तो हो सकता है कि आपको पॉजिटिवनेस दिखाने को मिल सकता है। लेकिन मैं अभी फिर से बताता हूँ, आप किसी को पोजिशन बेसिस पे अब यहाँ से पोजिशन बनानी चाहिए उनको। अब एक्सपेक्ट मत करना कि वापस ये 46 से नीचे जाएगा, मुझे नहीं लगता कि अभी ये 46 तो नीचे जाएगा, और 46 भी आपको दिखाएगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो कोई निगेटिव एटीट्यूड के साथ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ट्रेडिशनली अगर हमको बाय करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप इसमें और भी इसको शॉर्ट करके अर्न कर सकते हैं। अब वापस कल, वापस ये कल गिरेगा ही गिरेगा, और मैं आपको जैसा बताया हूँ, अगर ये 76 के अपने लेवल को तोड़ता है, 75, 76 के लेवल को तोड़ता है, तो वापस ये 70 के लेवल को ट्राई करेगा, और अगर इसके लेवल को तोड़ता है तो वापस आप इसके नीचे यहाँ पे जा करके फॉल देखेंगे। अप्रोक्स यहाँ पे 52, 53 के पास सपोर्ट ले लेगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपको हो सकता है और भी यहाँ से 10-15 रुपये आपको देखने को नीचे मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। तो आप यहाँ पे सेल बना के पोजिशन अभी पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल लेकर के। अगर किसी ने पुट उस दिन लिया होगा जब ये 100 पे गया था, और किसी ने भी अगर 100 का पुट लिया होगा तो आज ऑलरेडी उसके पास प्लस में पोजिशन बनी होगी। अब जैसे यहाँ पे भी अगर मैं इसको, अगर एवरेज ऐसा, इसलिए भी कारण है इसका बताने का कि आप देखिए यहाँ पे जो CCI ये निगेटिव बता रहा है। अब थोड़ा सा ये यहाँ पे देखेंगे MACD तो पॉजिटिवनेस तो बता रहा है, लेकिन वॉल्यूम से नहीं बता रहा है। RSI भी निगेटिव बता रहा है, ये देखिए RSI देखिए निगेटिव बता रहा है। अगर मैं आपको ये CCI दिखाऊं तो ये CCI देखिए निगेटिव बता रहा है। इसके कारण मैं आपको बता रहा था कि अब निगेटिव ट्रेंड में थोड़ा सा दिखता है। और अगर मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम की बात करूं, अब ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम बना है और कैंडल किस तरह का बना है। अब कैंडल देखेंगे तो ये सारे कैंडल को जो अपवर्ड था इसको एक साथ इसने खत्म किया है, और खत्म करते हुए इसने नीचे की ओर विंग्स बनाए हैं, विक्स बनाए हैं। और ऊपर का विक्स देखेंगे तो छोटा है, और नीचे का विक्स देखिए छोटा है, ऊपर का विक्स ज्यादा है। ये नीचे की ओर जाने के लिए, और इसको तोड़ते, इसके सारे यहाँ पे जो बेनिफिट थे, जो मेन यहाँ पे बॉडी है,
इस बॉडी को तोड़ते हुए, इस बॉडी के कवर करते हुए इसको ले लिया, मीन्स इसके हाई को थोड़ा अप लिया, हाई को अप ले करके इसके लो को टच कराने की कोशिश की और यहाँ पे विक्स की। तो फर्दर जो आपको, अगर इसके मैं आवरली चार्ट को जाऊं, अगर मैं इसके आवरली चार्ट को आपको दिखाता हूँ, तो आवरली चार्ट में भी देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बेरिश कंटिन्यूशन के चार्ट बना है। आप अगर पैरेलल तीन अगर इसको दिखा रहा है, कंटिन्यू गिर रहा है, ये देखिए कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, तो बेरिश कंटिन्यूशन रिलेटिव हाई। अब यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बना है, इसे ये बता रहा है कि जो आपका बेरिश रिवर्सल है वो कंटिन्यूटी रहेगा और बेरिश मोड में ये रहेगा। यहाँ पे आप खुद ही आप देखेंगे, ये चार्ट का फॉर्म भी बना चुका है, तो ऑलरेडी ये बेरिश मोड को शो कर रहा है। और यहाँ पे भी जो लास्ट पॉइंट पे खत्म किया, बिना विक्स के खत्म किया है, और ये बॉडी जो बनाया है वो निगेटिव बनाया है। तो आप अगर मैं इसको किसी इस तरह से भी दिखाऊं आपको, तो आपको एक मिनट रुकिए, आप देखेंगे यहाँ पे जो बाइंग किया इसने, आठ जो चालू हुआ, ये 95 पे ओपन होकर के 98 का हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये नीचे की ओर आ गया, ना 88 का लो लगा दिया, यहाँ पे 89 का लो लगाया, 89 के लो लगाने के बाद ये वापस यही यहाँ पे आया, और यहाँ पे फिर वापस थोड़ी सी खरीदारी की ओर दिखी, लेकिन फिर विक वाली थी, तो इनडिसिसिव डिसीजन टाइप का यहाँ पे कैंडल बना। इसके बाद जो बना यहाँ पे थोड़ा सा सेल की ओर गया, नीचे की ओर गया, ऊपर और नहीं गया, विक्स नीचे की ओर धकेला गया इसको, और यहाँ पे आके इसने रेड फॉर्मेशन कर दी अल्टीमेटली। और यहाँ के बाद एक बहुत ही अच्छा फॉल दिखाई, यहाँ पे फॉल दिखाया, और इस फॉल के बाद कंटिन्यूअस यहाँ फॉल दिखा दिया। ये तीन पैटर्न कंटिन्यूअस यहाँ पे आपको जो बनाया है वो फॉल का बना के दिखाया आपको, तो इससे ये पता चलता है। और आप देखेंगे लगभग, जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये जो ऊपर का गेन था, आवरली गेन था, इसको अकेला ये और इसने मिलके पूरा खत्म कर दिया। तो जहां पे भी गेन बनाए थे इसने पूरा कवर कर लिया, इसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन वापस यहां से इसको धकेल दिया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ जो बनी है कैंडल थ्री के जो बनी है, फॉलिंग थ्री मेथड्स जो है, तो बेरिश कंटिन्यूएशन का भी आपको कैंडल बना है। तो यहाँ से इसलिए पुट का पोजिशन हम बना सकते हैं, सेल का पोजिशन बना सकते हैं, और सेल करके बैठ सकते हैं। आपको हो सकता है आपको यहाँ से वापस जो इसका सपोर्ट है, 75 वाला सपोर्ट जो है इसका 75, और किसी कारण से 61 टूटता है तो और भी नीचे आपको देखने को मिलता है। तो इसका दो सपोर्ट लेवल है, पहला 75 पे है और दूसरा 61 पे है, और ये दो सपोर्ट तोड़ने के बाद आपको वापस 50-52 के आसपास जाकर के सपोर्ट मिलेगा, आपको जाकर के यहाँ पे फिर जाकर के 52 के आसपास मिलेगा। तो पहला सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है 69 के आसपास है, और दूसरा सपोर्ट फिर से आपको यहाँ पे मिलेगा, दूसरा सपोर्ट 61.40 के आसपास मिलता है आपको, तो दूसरा वापस आपको 61 के आसपास यहाँ पे ये वाला पोर्शन पे देखेंगे, ये वाला यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इसको। तो मैं इसको एक लाइन से आपको दिखाता हूँ, इसको यहाँ पे हो सकता है इसको सपोर्ट यहाँ पे, तो ये 59.85 60 के आसपास। तो पहला सपोर्ट आपको हो सकता है कि ये यहाँ वैसे देखिए, इसको 75 तोड़ेगा, अगर ये नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर, अगर अगर 75 तोड़ता है तो 69 पे सपोर्ट लेगा, अगर 69 तोड़ता है, आपको सपोर्ट के कलर को मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ, तो इसके कलर को भी यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ, तो आपको सपोर्ट समझ में आएगा ये सपोर्ट। तो अगर ये इसको तोड़ता है तो ये यहाँ 75 का सपोर्ट है, फिर 69 का सपोर्ट है, फिर 59 का सपोर्ट है, और फिर लास्ट सपोर्ट यहाँ पे जा करके यहाँ पे है ही सपोर्ट 52, यहाँ पे जो आएगा यहाँ से ऊपर उठा था, ये लास्ट जो यहाँ गया था, यहाँ से सपोर्ट यहाँ से लेके फिर से उठेगा ही उठेगा। तो हो सकता है आपको लास्ट ये इस तरह से सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अभी मेरे अंदाज से आपको यहाँ से लेकर के एटलीस्ट 69 तक तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और हो सके तो 59 तक भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे शॉर्ट करके भी पोजीशन बना सकते हैं, दूसरा इसको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन भी बना सकते हैं, भले आपको 1.5 से 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन ये जो रिटर्न आपको बीच बीच में हो सकता है, ऐसे जंप बीच बीच में लेते रहे और आपको अच्छे खासा बेनिफिट इसमें यहाँ से दिखाते रहे। तो ओवरऑल सेंटिमेंट भी अब यहाँ पे 71 और बढ़ते जा रहा है, सेंटिमेंट भी इसको बाइंग के लिए बता रहा है। तो आप 10, अगर 100 शेयर लेना है तो आपको जैसा मैंने बताया था कि 10-10 शेयर लेकर के आप इस पे ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन सपोर्ट याद रखिएगा 75, 69, 59, 47, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है,
पहला सपोर्ट है 75 पे, फिर 69 पे, फिर 59 पे, फिर 47 पे। तो ये सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए पोजीशन बनाइए। और आता है तो ऊपर में तो 102 का, आपको 102 का बताया हुआ आपको यहाँ पे कि 102 का अगर क्रॉस करता है ये, सॉरी 102 या 108 का लेवल, आप ये इसको क्रॉस करता है अगर इसका रेसिस्टेंस है, अगर आप इसको रेसिस्टेंस के रूप में लें तो ये इसको क्रॉस करता है तो ये इसका रेसिस्टेंस है। और अगर ऊपर की ओर इधर 108 प्लस क्रॉस करता है तो आपको पोजीशन अच्छा मिल जाएगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर आप यहाँ पे सीधा यहाँ पे देखने आपको हो सकता है यहाँ मिल जाए 108 के बाद यहाँ पे एक सीधा 119 यहाँ तक भी आ जाएगा, तो ऐसे करके 130 फिर ऊपर जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ये दोनों आप ध्यान में रखिए और देख करके पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और अगर कोई पोजिशन डायरेक्ट बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, लोगों को बीच में शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और लोगों को भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम और जो भी आपको क्यूरी होगी इस पर आप पूछिए, हम आपको देंगे, ज़रूर देंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।